हशाम जैसे की समिति का निर्देश हुआ है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री रामचरित मानस से एक बहुत सुंदर सी रचना लेकर आया हूं। बात उस समय की है, आज माता सीता लंका नगरी में उदास बैठी हुई है, अपने प्रभु राम को याद कर रही कि प्रभु काफी समय हो गया है, अब तो आप मुझे इस लंका नगरी से छुटकारा दिला दीजिए। और मन ही मन विचार कर रही कि मेरे प्रभु कब आएंगे और मुझे इस लंका नगरी से कब छुटकारा मिल जाएगा। अब तो मेरी आंखें बस एक ही सपना देख रही हैं कि मेरे प्रभु आए और मुझे इस लंका नगरी से छुटकारा मिल जाए। यही कथा सुनाने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग पसंद करेंगे। कहना है दुखित हो रही जानकी जय हो, कर रही करुण पुकार क्या बात, कब आएंगे राम जी प्राणों के आधार। रो रो अब सीता कहें कब आए श्री राम, लंका की इस नगरी में मुझे चैन नहीं आराम। आज मन ही मन विचार कर रही है कि मेरी आंखें एक ही सपना देख रही है प्रभु, तो देखिए क्या होता है। क्या मैं देखूं यही सपना हो, यहाँ कोई नहीं अपना, हो मैं देखूं यही सपना हो, यहाँ कोई नहीं अपना, हो मुझे उदताए अपने सजन की पिया, पिया हो पिया तुम्हें पुकारे सिया, पिया पिया हो पिया तुम्हें पुकारे, पिया पिया हो पिया तुम्हें पुकारे सिया, सिया पिया पिया हो पिया सिया तुम्हें पुकारे सिया, पिया 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 हो पिया तुम्हें। नगर में कैसे हो जीना, हो सारी तू तुम सिराई तुम्हें याद आए
मैन जी उनकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद पंडित को प्रदान, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। मंच पर सिंह राजा श्री महासरस्वती मंडल बुधवाड़ा, और इसके बाद तैयार है श्री ठाकुर मंडल ढाबा कला, इसके बाद तैयार है